दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जैसे कि आप लोग मून नाइट सीरीज तो देख ही रहे होंगे कि मून नाइट का नॉर्मल वर्जन इतना ज्यादा पावरफुल है, तो सोचो मून नाइट का मोस्ट पावरफुल वर्जन कितना ज्यादा पावरफुल और खतरनाक होगा। और आज की इस वाली वीडियो में हम मून नाइट के 5 मोस्ट पावरफुल और अमेजिंग वर्जन देखने वाले है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए भाई लोग वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 5 अल्टीमेट मून नाइट। अल्टीमेट मून नाइट अर्थ 1610 से है। ये मून नाइट अल्टीमेट कॉमिक्स यूनिवर्स से बिलोंग करता है। अल्टीमेट मून नाइट ने अल्टीमेट स्पाइडरमैन को टक्कर दी है और काफी हद तक उसे हरा भी दिया था। अल्टीमेट मून नाइट और अल्टीमेट स्पाइडरमैन हमें फर्स्ट टाइम देखने को मिले थे 2005 में आई अल्टीमेट स्पाइडरमैन कॉमिक्स इशू 79 में। और अल्टीमेट मून नाइट और स्पाइडरमैन पर कार्टून सीरीज भी बन चुकी है। अल्टीमेट मून नाइट की पावर की बात करें तो इसके पास इंटेलिजेंस, स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी प्रोजेक्शन और फाइटिंग स्किल में काफी एक्सपर्ट है। नंबर 4 मून बिंग। मार्वल और डीसी वालों ने मिलकर एक कॉमिक्स बनाई थी जिसका नाम एमेलगम था। और इस कॉमिक्स में हमें फर्स्ट टाइम दिखा था मून बिंग। मून बिंग मार्वल के मून नाइट और डीसी के नाइट विंग से मिलकर बना है, जिसकी वजह से मूनबिंग के पास दोनों करेक्टर्स की सुपर पावर और एबिलिटीज हैं। मूनबिंग काफी अच्छा फाइटर है। मूनबिंग के पास दोनों ही करेक्टर्स के वेपन्स हैं, जिन्हें वह किसी से फाइट करते समय यूज करता है। हर एक मून नाइट की तरह इसकी पावर्स भी मून पर डिपेंड्स करती हैं। जब फुल मून नाइट होती है तब मूनबिंग काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। नंबर 3 आर्च नाइट। मून नाइट और स्पाइडरमैन आपस में फाइट करते हैं और उस फाइट के दौरान दोनों ही अपनी पावर्स का यूज करते हैं। और दोनों की पावर्स मिलने की वजह से एक नया करेक्टर सामने आता है, यानी कि आर्च नाइट। आर्च नाइट के पास स्पाइडरमैन के कुछ बेसिक पावर्स भी हैं। आर्च नाइट सबसे ज्यादा पावरफुल तब होता है जब फुल मून नाइट होता है। और हाँ, जब कॉमिक्स बुक के अंदर मून नाइट और स्पाइडरमैन मर्ज हुए थे तब मार्क स्पेक्टर की बीमारी यानी डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर पीटर के पास चली जाती है और इन सब परेशानियों का सामना पीटर को भी करना पड़ता है। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है आर्च नाइट, जिसके पास दोनों करेक्टर्स की सुपर पावर थी। नंबर 2 मून सेट। मून सेट काफी ज्यादा पावरफुल वर्जन है और मून सेट के अंदर बिल्कुल भी दया नहीं है। और बात करें इसकी पावर और एबिलिटीज की, तो इसके पास और मून नाइट की तरह पावर्स और एबिलिटीज हैं, लेकिन इसके पास और भी पावर्स हैं। ये किसी की भी लाइफ एनर्जी को और उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। मून सेट अलग अलग समय में जाकर मून नाइट के अलग अलग वर्जन की लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करता गया। मून सेट और भी ज्यादा पावरफुल बनता गया और मून सेट को किसी से फाइट करते समय बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होता, जिसकी वजह से ये और भी ज्यादा खतरनाक है। नंबर 1 फिनिक्स मून नाइट। फिनिक्स मून नाइट फर्स्ट टाइम हमें देखने को मिला था अवेंजर्स इशू 36 में। फिनिक्स मून नाइट काफी ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि फिनिक्स मून नाइट ने थोर के हैमर को कंट्रोल कर लिया था। उठाया नहीं था, सिर्फ कंट्रोल किया था और थोर के हैमर से थोर को ही पीटा था। मून नाइट हैमर के लिए वर्दी नहीं था और उसके इतने सारे कांड्स के बाद कोई भी वर्दी हो सकता है, मगर मून नाइट नहीं। लेकिन फिनिक्स मून नाइट ने हैमर को इसलिए कंट्रोल कर लिया था क्योंकि हैमर उरु मेटल से बना है, जो कि चांद पर पाए जाने वाला मेटल और पत्थर है। फिनिक्स मून नाइट गोट खोंसू के जरिए उरु मेटल को बड़े ही आराम से कंट्रोल कर सकता है। इसके साथ साथ फिनिक्स मून नाइट के पास और भी पावर्स हैं, जैसे कि सुपर स्पीड, फायर कंट्रोल, टाइम ट्रेवल, हीलिंग फैक्टर, एनर्जी मैनिपुलेशन, टेलीपैथी और भी बहुत सी पावर्स हैं। और फिनिक्स मून नाइट अवेंजर्स को भी टक्कर दे चुका है। वैसे दोस्तों मून नाइट के और भी बहुत से वर्जन हैं जो कि ज्यादा पावरफुल तो नहीं है लेकिन फिर भी मजेदार हैं, जैसे कि मून नाइट एक्स जो कि गन्स का इस्तेमाल करता है, डायनासोर मून नाइट, क्रिशेंट मून नाइट अर्थ 616, मून फैंक और जॉम्बी मून नाइट और भी बहुत से हैं। दोस्तों ये थे मून नाइट के कुछ मोस्ट पावरफुल वर्जन। और आप लोगों को कौन सा वर्जन अच्छा लगा कमेंट में बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।